लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। चीन के एक पैसेंजर जेट की तब इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी जब अचानक कॉकपिट की खिड़की टूट गई। खिड़की टूटने से दो लोग जख्मी भी हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब प्लेन 32,000 फीट की ऊंचाई पर था। प्लेन में हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। हालत ये हुई कि को पायलट का आधा शरीर खिड़की के बाहर हवा में लटक रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी चोट भी आई है। सिचुआन एयरलाइंस का ये प्लेन चोंगकिंग से ल्हासा जा रहा था। करीब एक घंटे बाद जब प्लेन चेंगदु के ऊपर पहुंचा, तभी इसकी एक खिड़की टूट गई। कैप्टन लियू चुआनजियान के मुताबिक इस हादसे के चलते प्लेन का को पायलट खिड़की से करीब करीब बाहर की ओर आधा लटक गया था। उन्होंने बताया कि खिड़की टूटने से प्लेन के अंदर प्रेशर में अचानक बदलाव आने से को पायलट की ये हालत हुई। सेफ्टी बेल्ट के चलते उसकी जान बच पाई। शिनहुआ के मुताबिक कैप्टन ने घटना के बाद बनी खतरनाक स्थिति को लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को खबर दी। हादसे के कारण चलते को पायलट के चेहरे पर काफी खरोंच भी आई है और उसकी कमर पर भी कुछ चोट आई है। इसके अलावा एक फीमेल पैसेंजर को भी खरोंच आई है। इसके बाद प्लेन को चेंगदु के शोंगलियु इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। मुश्किल से 20 मिनट के अंदर कैप्टन ने प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग कराई। इसके बाद दोनों घायलों को चेंगदु के नंबर 1 पीपल्स हॉस्पिटल में ले जाया गया।